कंगना रनौत ने खालिस्तान मसले पर बहस के लिए वन पंजाब प्रदेश संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह की चुनौती स्वीकार की है। कंगना ने तंज भी कसा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल पंजाब में वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह विवादों में है। अमृतसर के अर्जुनाला थाने में हमला किए जाने के बाद अमृतपाल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और इस बीच ही बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने खालिस्तान मसले पर बहस के लिए अमृतपाल सिंह की चुनौती स्वीकार की है और कंगना ने तंज भी कसा है और साफ तौर पर कहा है कि अगर खालिस्तानी मुझे गोली न मारे तो मैं इस मसले पर बहस करने के लिए तैयार हूँ। कंगना ने ट्वीट किया है और साफ तौर पर लिखा है, महाभारत में पांडवों ने राजसी यज्ञ किया था, अर्जुन स्वयं सभी राजाओं से टैक्स लेने के लिए चीन तक गए थे, तब सभी राजाओं ने युधिष्ठिर को विराट भारत का सम्राट घोषित कर दिया, यहाँ तक कि जो महायुद्ध हुआ उसे भी महाभारत कहा गया। अमृतपाल मुझसे चर्चा कर ले। एक्ट्रेस ने लिखा, अमृतपाल ने देश को खुली चुनौती दी है कि अगर कोई उनके साथ बौद्धिक चर्चा करने के लिए तैयार है तो वो खालिस्तान की मांग को सही ठहरा सकते हैं। कंगना ने आगे ये भी कहा, अगर मुझे खालिस्तानियों ने पीटा, हमला नहीं किया या गोली नहीं मारी तो मैं तैयार। बता दें आपको कि अर्जुनाला थाने में बवाल की घटना के बाद अमृतपाल सिंह ने खास बातचीत करते हुए कहा है कि हिंदू राष्ट्र पर डिबेट हो सकती है तो खालिस्तान पर क्यों नहीं, और उसने अपनी मंशा के बारे में कहा कि पंजाब में हर गांव में युवा नशे की जद में आ गया है और जब मैं यहां आया तो मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। खालिस्तान कोई टैबू सब्जेक्ट नहीं है, डेमोक्रेसी समेत अन्य मसलों पर भी चर्चा हो सकती है तो खालिस्तान पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। खालिस्तान पर भी बुद्धिजीवों के बीच डिबेट होनी चाहिए, अगर यहाँ बुद्धिजीवों के बीच डिस्कशन होता तो हिंसा नहीं होती। इससे पहले कंगना रनौत ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया था और इस पोस्ट के जरिए कंगना ने गैर खालिस्तानी सिखों को बड़ी सलाह भी दी थी। पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है मैंने 2 साल पहले भविष्यवाणी की थी, मुझ पर कई मामले दर्ज किए गए थे, मेरे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, मेरी कार पर पंजाब में हमला किया गया था, लेकिन वही हुआ ना जो मैंने कहा था। पर अब समय आ गया है कि जब गैर खालिस्तानी सिख अपनी पोजीशन और इरादों को क्लियर करें। 2 साल पहले किसान बिल का विरोध कर रहे किसानों को कंगना रनौत ने आतंकवादी और खालिस्तानी कहकर बुलाया था। कंगना की इस पोस्ट को लेकर हर तरफ खूब विवाद हुआ, यहाँ तक कई शहरों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इस पूरे विवाद के बाद जब कंगना पंजाब पहुंची तो किसानों द्वारा उनकी कार को घेर लिया गया और घटना के बारे में बात करते हुए कंगना रनौत ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि पंजाब में एंट्री लेते ही उनकी कार को घेर कर उन पर हमला बोला गया। वहीं अब जब अमृतसर में अर्जुनाला पुलिस स्टेशन पर हमला बोला गया तो कंगना को अपनी 2 साल पहले कही हुई बात याद आ गई और पंजाब के अर्जुनाला में हुए बवाल के बाद पंजाब पुलिस पर खालिस्तान समर्थकों के प्रति नरमी बरतने का आरोप लग गया। हालांकि पंजाब डीजीपी का कहना है कि पुलिस तथ्यों की पुष्टि करके उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी, पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों को बख्शेगी नहीं।